ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पुनीत गुप्ता। शाबाद डेयरी में है अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो है वो कुछ देर में शुरू होने वाला। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आने वाले हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे आके कुछ घोषणाएं भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाबाद डेयरी का ये उपचुनाव को जो है सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ पे लगा रखी है। मेरी सहयोगी शिवानी मेरे साथ रहेंगी और हर रंग इस रोड शो का हम आप तक लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल हमारे गरीबों को मुक्त किया। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत सुविधा की। केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल साथ दिया। केजरीवाल को जिताएंगे भाई। अभी इतवार को चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। अब जब मैं आया हूं, मेरे को कुछ लोगों ने बताया, बोले जी यहां गंदगी की बहुत समस्या है, यहां पे सीवर लाइन पड़नी चाहिए। पड़नी चाहिए नहीं पड़नी चाहिए सीवर लाइन पड़नी चाहिए नहीं पड़नी चाहिए। आज मैं वादा करके जा रहा हूं, इतवार को वोट दे देना सारे जने। मैंने पता करा है 100 करोड़ रुपए लगेंगे, आपकी सीवर लाइन डलवाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई साहब, अगर आपने इन दूसरी पार्टी वालों को वोट दे दिया तो भाई साहब ये काम नहीं करने देंगे मेरे को। फिर ये लड़ेंगे मेरे साथ, फिर ये मेरे साथ। आप रोज देखते हो ये बीजेपी वाले कितना लड़ते हैं मेरे साथ, 24 घंटे मेरे को काम नहीं करने देते, फिर भी मैं काम करता हूं। तो आप सबसे निवेदन है, आम आदमी पार्टी को इतवार को वोट दे देना। पिछली बार जितने वादे करके गया था सारे वादे पूरे करे। आज मैं वादा करके जा रहा हूं, पूरे शाबाद डेयरी में सीवर की लाइन डलवा दूंगा। इस बार वोट दे के इतवार को जिता देना। ये सब आम आदमी पार्टी के चाहने वाले हैं और सभी वोटर हैं। ये 10,000 की भीड़ है, ये आम आदमी पार्टी से दिल से प्यार करते हैं और एक एक वोट आम आदमी पार्टी का है। तो ये उपचुनाव में सभी का इसमें आशीर्वाद मिल रहा है भरपूर, और बहुत बहुमत से जीतेंगे हमारे इस बाट के अंदर। तो एक 148 कमरों का स्कूल बना, 125 कई स्कूल बने, दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, और रोड बनाए, पानी की पाइपलाइन डलाई, सीसीटीवी कैमरे लगाए, बारात घर बनाए, पार्क बनाए, और अब जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय सीएम साहब आज यहाँ पर एक इतना बड़ा तूफान लेके आ रहे हैं जिससे गरीबों को बहुत बड़ी राहत होगी। हर तरह की सुख सुविधाएं उनकी सहूलियत के लिए आम आदमी पार्टी ही कर सकती, बाकी कोई और नहीं। जिस तरीके से जनता ने अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जिताया है, आम आदमी पार्टी के ऊपर जिताया है, तो ऐसा लगता है कि जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने विधानसभा में चुनाव जीते हैं और उसी प्रकार से जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाई रामचंद्र जी हैं और हम लोग अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं। भीड़ देख करके देखिए क्या शानदार नजारा है, हर तरफ झाड़ू है, हर तरफ केजरीवाल ही केजरीवाल है, हर तरफ झाड़ू है। आम आदमी पार्टी निगम में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा वालों को चोर उचक्कों को उखाड़ करके निगम से फेंकने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहाँ भी आते हैं तो जनता ऐसे ही उमड़ती है, अपने आप उमड़ती है। उनकी इच्छा है, उनमें चाव है, उमंग है। ये इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर शाबाद डेयरी की जनता है,
और सीएम साहब को देखने के लिए हजारों की तादाद में वहां तक लोग खड़े हैं। और मुझे लगता है सीएम साहब को, केजरीवाल साहब को देखने के बाद उन्हें विश्वास है कि जिस तरीके से पहले सवा डेरी में काम हुए हैं वैसे ही और काम होंगे, इसलिए सब लोग स्वागत के लिए सीएम साहब के लिए खड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली की जनता अरविंद जी को प्यार करती है, दिल्ली दिल्ली की नहीं देश की जनता प्यार करने लगी अरविंद जी को, तो उसी का नतीजा है। और जो उपचुनाव हम पाँचों के पाँचों जीतेंगे आने वाले समय में, निगम की सारी सीटें जीत के निगम में दिल्ली में आपकी सरकार बनी, यही लग रहा है हर जगह केजरीवाल केजरीवाल है और कोई नहीं है। और यहाँ पर सपोर्ट करने आए? हाँ जी, मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। क्या बात अच्छी लगती है? अच्छी लगती है कि उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं दिल्ली के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरी पेंशन भी लगाई है। अच्छा। और भी हैंडीकैप लोग हैं उन भाइयों के लिए भी ये सदियों से करते भी आ रहे हैं और भी करते हैं, जो लोग रह गए उनके लिए भी करेंगे और इस बार भी फिर दोबारा मुख्यमंत्री जो हैंडीकैप भाई बहन है उनकी तरफ से आए हैं। जी उनकी तरफ से आया मैं। आम आदमी पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो है बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें आज तक 70 साल में किसी ने एक भी काम नहीं किया। रोजगार ऐसी बहुत सी चीज़ों में है जिसमें आज तक आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी ने बढ़ चढ़ के सहयोग कभी भी नहीं लिया है। आम आदमी जो मूलभूत सुविधा होती है उन लोगों की सब पूरी करी है, तो इसीलिए हमारे लिए तो लीडर हमारे केजरीवाल साहब है और इसीलिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल जी ने जो बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम करके दिखाया है, दिल्ली का मॉडल आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। गुजरात में आपने अभी नगर निगम के चुनाव में देखा है, हमें लगता है कि दिल्ली के मॉडल को पूरा हिंदुस्तान आज अपनाना चाहता है, केजरीवाल जी को पसंद करता है और आने वाले समय में आपको विश्वास दिला रहा हूँ 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आम आदमी जो है ना पार्टी वो आम जनता की सरकार है ये, और बिजली स्वास्थ्य शिक्षा एजुकेशन के ऊपर जो वर्क किया है ना वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। दिल्ली में एक अपना रोल मॉडल जो शो किया है वही आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर भी जीत हुई है और ऐसे धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी ही रहेगी। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत सुविधा की है, क्योंकि उन्होंने शौचालय भी फ्री करवाया है महिलाओं के लिए, आने जाने की सुविधा भी फ्री करवाई उन्होंने। और यहाँ पे जब तक पहले वोटर आईडी कार्ड बनता था उसी से काम होता था, जब से श्री अरविंद केजरीवाल जी जीते हैं तब से वोटर आधार कार्ड से भी काम हो जाता है। केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, सबको बिजली फ्री दी है और अच्छा काम करा है, ऐसा नेता होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल हमारे गरीबों को मुखिया है और कोई नेता ऐसा था कि कोई हमारा हल नहीं निकाला, अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करा, बाकी कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं जो अरविंद केजरीवाल कर दिया, कोई नहीं करके दिखाया। अच्छा किया है तो वो तो अच्छा ही किया जाएगा। हाँ जी केजरीवाल को देंगे, हम केजरीवाल तक बहुत खुश हैं। केजरीवाल साथ दिया, बिजली का पानी का सारा साथ दिया, बिजली का बिल फ्री करा, ये सारा बच्चा के बांटा, सारा चीज बांटता। केजरीवाल को देंगे पानी बिजली सारे कुछ तो सुविधा किया है हमारे लिए, बस भी फ्री किया, सब कुछ औरत के लिए अच्छा किया है। केजरीवाल को हम वोट देंगे तो केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल को जिताएंगे भाई। बिजली पानी सब सुविधा किया, हाँ बिजली पानी का सुविधा करे हैं इसलिए बिजली भी सब कुछ है। और बिल्कुल चेंज हो चुका है जिस दिन से मनीष जी आए थे और पूरी टीम लगी हुई है यहाँ, और अब आप देख रहे होंगे पीछे सारी शाबा डेरी की जनता है पूरी आई हुई है। हाँ जी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीत चुका है, सेक्टर 25 से भी बिल्कुल जीत है रामचंद्र जी की, और शाबा डेरी तो जान देने के लिए भी तैयार है, बिल्कुल ही रामचंद्र जीतेगा, चाहे बच्चे से पूछ लो चाहे बूढ़े से पूछ लो, रामचंद्र जी को ही वोट जाएगा 28 तारीख को, पक्का झाड़ू पे बटन दबेगा, एक तरफी इलेक्शन है भाई रामचंद्र जी, आम पार्टी झाड़ू। अरविंद केजरीवाल जी आज आ रहे हैं, बिल्कुल एक तरफी इलेक्शन जाएगा, झाड़ू की पेटियां ही खुलेंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।